अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पे आपका वेलकम। आज की मेरी रेसिपी है वाइट चिकन पुलाव। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं पुलाव के साथ खाया जाने वाला एक सलाद वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चले चिकन वाइट पुलाव बनाना शुरू करते हैं। वाइट चिकन पुलाव बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो के करीब चिकन ले लिया है। 1 कप के करीब दही लिया है। अब हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इस दही को चिकन पर डाल दूंगी। अब इसमें मैं 1 नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने धनिया के पत्ते और हरी मिर्ची का एक पेस्ट बना लिया है दरदरा सा, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। पांच से छह हरी मिर्चें ले लें। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। ये जो हरी मिर्च है वो तीखी नहीं होती है। 3 छोटे चम्मच यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लें। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। एक बर्तन में तेल गरम कर लें। हमने जो आलूओं को छील कर रखा था उनको अब हम फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर लें आलू डालते समय, या इस तरीके से अपने चम्मच पे रखना है और ऐसे साइड से डालते जाना है तो आपके ऊपर तेल नहीं उड़ेगा। अब आलूओं को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए बस तब तक हमने इसे फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। अब मैं आलूओं को निकाल लूंगी। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। उसी तेल में मैं कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 तेज़पत्ता लिया है। 2 मैंने यहाँ पर दालचीनी ली है, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग और 7 से 8 काली मिर्च और 1 चक्रफूल। 3 मीडियम साइज़ की प्याज यहाँ मैंने ली है। मैंने इसे कट कर लिया और अब मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से नरम होने तक मैं इसे फ्राई कर लूंगी। ये अब नरम हो गई है और ये अब फ्राई हो रही है। बस हमने इसे इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। अब इसमें मैंने जो चिकन मैरिनेट किया था वो मैं ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से चम्मच चलाते हुए हमने भून लेना है। इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है।
पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बस इसे इसी तरह से भूनते जाना है। हाई फ्लेम पर ही इसे भूनते जाएं अच्छे से। धनिया और सौंफ को मैंने थोड़ा सा भून लिया और इसे मैंने इस तरह से पीस लिया है। बस अब हम इसे भी डाल देंगे इसमें। अच्छे से चलाते हुए इसे मिक्स कर लें और इसी मसाले में इसे भूनते जाएं। धनिया और सौंफ को अच्छे से भून लेना है। उसके बाद आपने इसे कूट के भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आपने इसे थोड़ा बारीक ही कूटना है, या आप इसे पीस भी सकते हैं। अब मैं इसमें गाजर और शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास शिमला मिर्च और गाजर अवेलेबल थी, इसी वजह से मैंने डाली है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। अब मैं इसमें जो हमने आलूओं को फ्राई किया था वो भी ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे से चलाते हुए फिर से हमने पका लेना है। एक छोटा चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। इसे भी हमने मिक्स करके अच्छे से भून लेना है। अब ये अच्छे से भून चुका है। मैं इसमें अब चावलों को ऐड कर दूंगी। 1 किलो चावल मैंने लिए हैं, बासमती राइस है। इन्हें मैंने आधे घंटे के लिए भिगा कर रखा था, वो भी अब इसमें डाल दूंगी मैं। और अच्छे से इनको पहले मिक्स कर लूंगी, उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी आपने गर्म ही लेना है, गर्म पानी इसमें डाल दें, थोड़ा सा डालें और पहले मिक्स कर लें। अब हमने पूरा पानी इसमें डाल देना है, चावलों के ऊपर तक पानी आ जाना चाहिए। नमक इसमें ऐड कर रही हूँ, नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से रखें। गर्म पानी मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेता पकने के लिए पुलाव, और जल्दी चावल भी पक जाते हैं। जब भी आपने पुलाव बनाना हो तो आपने गर्म पानी ही यूज़ करना है। अब मैं इसे कवर करके पका लूंगी हाई फ्लेम पर ही। बीच बीच में आपने पुलाव को चेक भी करते रहना है, क्योंकि यहाँ हमने हाई फ्लेम पर रखा है पुलाव को। बस इसे इसी तरह से चलाते हुए हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसे ढककर और थोड़ी देर पका लूंगी।
अगर आपको ऐसा लगता है पानी की और ज़रूरत है तो ही आप ऐड करें, वरना ना करें। पहले चावलों को चेक कर लें और जितनी पानी की ज़रूरत हो बस उतना ही ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से इसे पका लें। यहाँ मेरे चावल पक चुके हैं, अब मैं इसे दम पर रख दूंगी। मैंने इसे दम पर रख दिया है। मैंने जिस बर्तन में पानी गर्म किया था वो बर्तन गर्म है और पानी भी अंदर गर्म है, तो वो मैं इसके ऊपर रख दूंगी। अब हम चलते हैं इमली और गुड़ की सलाद की तरफ। यहाँ मैंने बारीक प्याज काट ली है और टमाटरों को भी बारीक काट लिया है। उसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़े से धनिए के पत्ते। अब मैं इसमें इमली और गुड़ का जो पेस्ट है वो ऐड कर रही हूँ। इमली और गुड़ को मैंने थोड़ा थोड़ा लेकर भिगा लिया था, थोड़े से पानी में, ज़्यादा नहीं। जब वो अच्छे से भीग चुका उसके बाद मैंने उसे थोड़ा सा पका लिया और उसका एक पेस्ट बना लिया, वो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लें और हमारा इमली और जो गुड़ का सलाद है वो रेडी है। अब हम चलते हैं हमारे पुलाव की तरफ। बिस्मिल्ला, वाइट चिकन पुलाव रेडी है। आप भी ज़रूर बनाएं, ज़रूर से ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं इसमें कुछ तली हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। और थोड़े बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। व्हाइट चिकन पुलाव रेडी है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।